15 साल का सूखा खत्म कर भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने बेल्जियम को 2-1 से करारी शिकस्त देकर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में जीत हासिल की। लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत के लिए गुरजंत सिंह और सिमरनजीत सिंह ने 1-1 गोल किए। इस खिताब को जीतने के साथ ही भारत अपनी सरजमीं पर जीतने वाला पहला देश बन गया है। इससे पहले भारत ने आखिरी बार 15 साल पहले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें भारत ने 2001 में अर्जेंटीना को हराया था। खिताब जीतने के बाद कप्तान हरजीत सिंह ने कहा कि भारत ने दिखा दिया है कि उसकी हॉकी फिर ट्रैक पर आ गई है। इस दिन के लिए हम 2 साल से मेहनत कर रहे थे। वहीं बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गुरजंत सिंह मैन ऑफ द फाइनल बने हैं। भारत की जीत पर पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने जूनियर टीम को जीत की बधाई देते हुए कहा कि अब हॉकी के खेल में भी हम प्रगति कर रहे हैं। जूनियर हॉकी विश्व कप जीतने के मौके पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों के लिए 3-3 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। तो अपने शानदार प्रदर्शन से भारत पूरे टूर्नामेंट में अजय रहा। भारतीय जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में जीत के बाद अब हॉकी के भी सुनहरे दिन लौटने की उम्मीद जगी है। देखते रहिए डीबी लाइव।